आज होने वाला वीडियो कोई भी व्लॉग नहीं होने वाला है क्योंकि कल मैंने एक बहुत ही ज्यादा गलती कर दिया मेरे साइकिल के साथ। और वो गलती मैंने क्या करा है ना गाइस, कल मैं प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस करने के दौरान कुछ हो गया था टायर में, तो इसलिए मैं गलती से भाई हाथ चला गया इस सस्पेंशन में। और सस्पेंशन में अभी आप चेक कर सकते हो ग्रीस लगा हुआ है, अभी आपको दिखाया तो ये चेक करो, ये लगा हुआ है भाई ग्रीस। तो गाइज यार गलती ये नहीं करा कि इस पे हाथ दे दिया, इस पे हाथ दे करना गाइज मैंने गलती से अपने रोटर में हाथ दे दिया और रोटर भाई पूरा मतलब ग्रीस लग गया रोटर पे और अभी क्या है ना ब्रेकिंग नहीं हो रहा है। तो गाइज आप ये गलती कभी मत करना, एंड आप भी अगर गलती कर बैठे हो तो कैसे आपको सही करना है आज आपको बताएंगे। मतलब आज का वीडियो होने वाला है कैसे आप अपने रोटर एंड ब्रेक पैड से ऑयल रिमूव कर सकते हो, ऑयल हो गया ग्रीस हो गया मतलब अगर कुछ भी लुब्रिकेट लग गया अपने रोटर एंड ब्रेक पैड पे तो वो कैसे आपको रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो गाइस ध्यान रखना है कि ये गलती आपको करना ही नहीं है क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला काम हो जाता है, रोटर खोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो फिर भी यार अगर आप गलती कर बैठे हो मेरी तरह तो चलो यार उसको कैसे सही करना है आज की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले गाइस यार आपको सामने का व्हील निकालना है, तो मेरा तो भाई क्विक रिलीजर लगा हुआ है तो मैं सीधा इसको ऐसे निकल सकता हूँ। तो आपके साइकिल में अगर क्विक रिलीजर हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं हो तो आप कोई भी पाना से निकाल सकते हो टूल से, तो सीधा इसको ऐसे निकल आएगा ये। तो अभी गाइस यार आपको 4 नंबर एलिंग की चाहिए होगा अपने रोटर को खोलने के लिए, तो चलो यार फटाफट अपना रोटर निकालते हैं। एंड ब्रेक पैड सबसे पहले कैसे निकालना है वो आपको दिखाते हैं। गाइस ब्रेक पैड निकालने के लिए आपको चाहिए प्लायर, तो गाइस ब्रेक पैड निकालने के लिए ये चेक कर सकते हो, तो दोनों ब्रेक पैड है, ये निकालने के लिए आपको ये वाला जो पिन है ना इसको पहले निकालना होगा। ये पिन आपको जूम ये रहा, तो पिन को निकालने के लिए कुछ ऐसे भाई इसको सीधा करना है एंड सामने की तरफ से ऐसे खींच लेना है। ये चेक करो, ये है भाई ब्रेक पैड का पिन, ये निकल गया, अभी ब्रेक पैड आसानी से निकल जाएगा। ये चेक करो, ये एक निकल गया और ये निकल गया दो, तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ खो ना जाए। तो ये है दोनों ब्रेक पैड, इसमें से आप ऑयल रिमूव करेंगे और मेक श्योर गाइज आप जब ये खोलोगे ना तो गलती से भी ब्रेक प्रेस नहीं करना है, नहीं तो इसके अंदर से जो ऑयल है ना वो निकल जाएगा सब। तो गलती से गाइज आपको ब्रेक प्रेस नहीं करना है। तो फिलहाल गाइज ब्रेक पैड आ गया एंड रोटर खोलते हैं अभी, तो चलो यार। तो गाइज ये अब चेक करो, मैंने थोड़ा गर्म पानी ले लिया, उसके अंदर डिटर्जेंट डाल दिया, आप या तो बर्तन धोने वाला जो साबुन आता है ना वो भी दे सकते हो, उससे भी अच्छा भाई ऑयल निकल जाता है। फिलहाल ये गाइज चेक करो मेरा ब्रेक पैड्स, अभी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ भाई पानी, थोड़ा बहुत गर्म है, इतना भी गर्म नहीं है। तो चलो यार अभी क्या करेंगे ना, आपको एक टूथब्रश लेना है ख़राब, तो ऐसे करके आपको पानी में डिटर्जेंट वाला पानी में भिगाना है एंड इसको भाई ऐसे वॉश करना है कुछ इस तरीके से, पूरे रोटर को भाई अच्छे से ब्रश से रब करना है जिससे भाई थोड़ा मतलब थोड़ा सा भी ऑयल ना बचे, कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। मैं फिलहाल गाइस रोटर खोल के इसके अंदर डुबाने वाला था, बाकी मेरा जो एलेंकी है ना वो भाई ख़राब हो गया, उसका टीथ ख़राब हो गया, इसलिए मैं सोचा कि ऊपर ऊपर से कर देते सही होगा। अगर आपके पास अच्छा एलेंकी है, 4 नंबर एलेंकी चाहिए होगा, तो एलेंकी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप खोल के भाई पूरा डुबा देना, उससे क्या होगा ना अच्छा पूरा निकल जाएगा ऑयल वगैरह जो भी रहेगा सब कुछ। तो इस तरीके से आपको कुछ भाई अच्छे से वॉश कर लेना है दोनों साइड से, अभी आपको इस साइड से ऐसे करना है। तो ये चेक करो, तो जो भी ऑयल वगैरह रहेगा ना वो निकल जाएगा ऐसे, तो मैं भाई अच्छे से साफ कर लेता हूँ। ये चेक करो रोटर कुछ इस तरीके से हमने क्लीन कर दिया, नीचे के साइड से आपको ऐसे करना है। एंड जो हमारा ब्रेक पैड्स है ना भाई, पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म है यार, और ब्रेक पैड को आपको कुछ इस तरीके से रब करके ये भी साफ करना है। तो गाइस डिटर्जेंट से वॉश करने के बाद अभी आप चेक करो, मैंने एकदम पानी से धो दिया है ये ब्रेक पैड्स को भी अच्छे से पानी से धो दिया, एंड साथ साथ आपको डिश प्लेट को भी अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये चेक करो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। तो इसके बाद क्या करना है गाइस, या तो आप धूप में रख सकते हो, नहीं तो गाइस कुछ अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो उससे आपको इसे सुखाना होगा, जैसे कि ये अभी गीला है तो अभी ऐसे लगा दोगे तो गाइस ब्रेक वर्किंग नहीं करेगा, सबसे पहले आपको इसको सुखाना है, डिश रोटर को भी सुखाना है एंड इसको भी।
लग रहा है इस दोनों ब्रेक पैड को मैंने अच्छे तरीके से सुखा लिया है, अभी काम पे आएगा भाई सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से आपको ये ब्रेक पैड कुछ इस तरीके से घिसना है, तो ये चेक करो कुछ इस तरीके से आपको रब करते हुए घिसना है, जब तक इसका सरफेस थोड़ा रब ना हो जाए तब तक आपको घिसना है। ज़्यादा मत घिस देना, नहीं तो क्या पता ब्रेक पैड पूरा ही घिस दिया आप, तो आपको थोड़ा बहुत घिसना है। सैंड पेपर से ब्रेक पैड को भी घिसना है एंड साथ साथ आपको रोटर को भी घिसना है। तो चलो यार फटाफट इस घिसने का काम फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी आप फिलहाल चेक करो, मैंने सैंड पेपर से घिस के इसका सरफेस जो है थोड़ा रब कर दिया है, इससे क्या होगा ना गाइस ब्रेक अच्छे तरीके से पकड़ेगा, ये चेक करो। तो गाइस अभी ये ब्रेक पैड को आपको साफ कर लेना, थोड़ा बहुत जो डस्ट है ये साफ कर लेना, और साथ साथ आपके रोटर को भी थोड़ा साफ करना है। मैंने सैंड पेपर से भाई ज़्यादा ही घिस दिया यार। तो ये सब फिनिश करने के बाद आपको सिंपली जैसे आप निकाले थे वैसे आपको फिटिंग करना है। तो चलिए सबसे पहले ब्रेक पैड को फिटिंग करते हैं, उसके बाद अपना साइकिल का व्हील फिटिंग करते हैं। तो फिलहाल चेक करो, ब्रेक पैड जैसे था मैं वैसे ही अब फिटिंग कर दिया है, कुछ सेट कर दिया, ये चेक करो। तो ये चीज़ आपको बीच में देना है, फिर इसका पिन। तो चलो यार फिलहाल सेट करते हैं, फिलहाल गाइस कैमरा पकड़ने के लिए अभी कोई नहीं है, तो फिट करने के बाद आपको दिखाते हैं। जैसे आप निकाले थे वैसे ही आपको फिट कर देना है। ये चेक करो, मैंने ब्रेक पैड को अच्छे से सेट कर दिया है और इसको भी थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिया जिससे ये निकलेगा नहीं, तो ये चेक करो। तो अभी चलो यार व्हील अपना सेट करते हैं। तो गाइस ये चेक करो, सब कुछ सेट होने के बाद आपको ब्रेकिंग थोड़ा टेस्ट कर लेना है, अभी ब्रेकिंग पूरा प्रॉपर हो रहा है। फिलहाल मेरा कैलिपर में थोड़ा आवाज़ हो रहा है क्योंकि कैलिपर अभी सही पोजीशन में सेट नहीं करा हुआ है, फिलहाल मैं इसको सेट करता हूँ। और वैसे आप चेक करो गाइस कुछ इस तरीके से आपको अपने ब्रेक पैड से एंड रोटर से ऑयल निकालना है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।